दोस्तों, RBI की नई गाइडलाइन के बाद LazyPay ने अपनी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी को बंद कर दी है, लेकिन अब LazyPay ने RBL बैंक के साथ टाइप करके एक नए क्रेडिट कार्ड के साथ वापस आ चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी LazyPay क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, आपको ये कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब दोस्तों, हाल ही में RBI ने एक नई गाइडलाइन जारी की थी, जहां पे RBI ने सभी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स यानी कि जो बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज से, उन्हें यह कह दिया था कि आप क्रेडिट लाइन को किसी भी वॉलेट में या फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड में स्टोर नहीं कर सकते हो, उसमें लोड नहीं कर सकते हो और उसका इस्तेमाल लोग नहीं कर सकते हैं। और इसका असर हमें तुरंत ही देखने के लिए मिला। जुपिटर, ओला मनी, पोस्टपे, LazyPay, स्लाइस कार्ड या फिर यूनिपे 1/3 कार्ड, इन सभी ने अपनी क्रेडिट लाइन वाली फैसिलिटी को बंद कर दी। लेकिन इन सभी ने इसका अल्टरनेटिव निकाला। स्लाइस ने एक दूसरा रास्ता अपनाया, यूनी और LazyPay कार्ड ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। स्लाइस ने अपने यूजर्स को यह बताया कि आप अपने स्लाइस कार्ड को कहीं पे फेंकिए मत। स्लाइस अब क्या करेगा, स्लाइस मिनी अकाउंट क्रिएट करेगा और इसी मिनी अकाउंट के साथ आपका जो स्लाइस कार्ड है ये लिंक होगा। यानी कि मिनी अकाउंट नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की तरह ही होगा, पर आपका जो स्लाइस कार्ड है ना, वो क्रेडिट कार्ड नहीं होगा बल्कि वो एक डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा, एक प्रीपेड कार्ड की तरह काम करेगा। आप अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करोगे और आपका ये जो कार्ड है वो उसके साथ लिंक होगा, उससे आप पैसे निकाल सकते हो। लेकिन यूनी ने दूसरी तरफ क्या किया, यूनी ने एक प्रॉपर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है यूनी NX वेव क्रेडिट कार्ड। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है। अब LazyPay ने भी यूनी का रास्ता ही अपनाया है। LazyPay ने एक प्रॉपर क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। LazyPay ने पहले टाइप किया था SBM बैंक के साथ, अब LazyPay ने टाइप कर दिया है RBL बैंक के साथ और इन्होंने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, LazyPay क्रेडिट कार्ड। अब जो लोग LazyPay के पहले से कस्टमर से, उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनको पहले यह फैसिलिटी मिल जाएगी। बहुत लोगों को यह नोटिफिकेशन भी आ गया है, लेकिन सभी LazyPay के कस्टमर्स को नोटिफिकेशन नहीं आया है। कुछ कुछ लोगों को नोटिफिकेशन आया है और अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है। मैंने उनके कस्टमर केयर के साथ बात की है और वहीं से ही पता चला है कि कुछ कुछ लोगों को नोटिफिकेशन गया है। अभी तक ऑप्शन नहीं आया है कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही जल्द आपको यह ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो जो लोग LazyPay के वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं, उनको पहले यह क्रेडिट कार्ड मिलेगा, वो लोग पहले अप्लाई करेंगे। दूसरे फेज में बाकी के जो LazyPay के कस्टमर्स हैं, उनको यह क्रेडिट कार्ड मिलेगा। उसके बाद जो नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, यानी कि जो LazyPay को इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको यह क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अब यह प्रक्रिया कुछ लंबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, आपको बहुत ही जल्द यह क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन इस समय पर आपके पास जो LazyPay का कार्ड है वो कुछ काम का नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं कर सकते हो। सिर्फ इनकी एप्लीकेशन में जो वन टैप वाला फीचर है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। यानी कि एप्लीकेशन में इनके पास जो लिस्टेड मर्चेंट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक माई शो, जोमाटो, स्विगी, यहाँ पर आप OTP के जरिए ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब LazyPay का जो नया क्रेडिट कार्ड है, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, LazyPay ने भी कुछ कहा नहीं है, LazyPay की एप्लीकेशन में भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। लेकिन हाँ, RBL बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर LazyPay क्रेडिट कार्ड के बारे में लिखा गया है, कुछ कुछ फीचर्स वहां पे मेंशन है जिसके बारे में अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अब इस क्रेडिट कार्ड से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो RBL बैंक और LazyPay दोनों शेयर करेंगे। ये कार्ड इश्यू होने के 30 डेज के अंदर अगर आप पहला ट्रांजेक्शन करोगे, आपको ₹250 का कैशबैक मिलेगा। किसी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर या फिर POS ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको फ्लैट 1% का कैशबैक मिलेगा और इसमें कुछ भी कैपिंग नहीं है। लेकिन आपको फ्यूल ट्रांजेक्शन पे, इंसिडेंट पेमेंट के ऊपर या फिर रेंट पेमेंट के ऊपर ये 1% का कैशबैक नहीं मिलेगा। ये क्रेडिट कार्ड एकदम लाइफ टाइम फ्री है और अगर आप रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करना चाहते हो तो इसमें आपको रिडम्शन फी पे करनी पड़ती है, जो है ₹99 प्लस GST। अब हम आखिरी सवाल के ऊपर आते हैं, आपको LazyPay क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहली बात यह है कि आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइफ टाइम फ्री है। तो अगर आप ये कार्ड लेते हो तो आपके लिए कुछ नुकसान नहीं होगा, पर एज सच आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। हालांकि कुछ कुछ फीचर्स के बारे में अभी तक बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी अभी के लिए जो बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों के पास पहले से LazyPay का कार्ड था और जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड इजीली नहीं मिल पाता था,
अब उनको क्या है ना, लेजी पे ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगा और इजीली आपको ये कार्ड मिल जाएगा क्योंकि आप लेजी पे के पहले से एक वैल्यूएबल कस्टमर हो। तो आप लेजी पे कार्ड ले सकते हो, स्विगी, जोमाटो, बुक माई शो ऐसे काफ़ी सारे मर्चेंट्स में आपको डिस्काउंट मिल जाता है, आप ये कार्ड ले सकते हो। बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं है लेकिन ये कार्ड लेने से आपको कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो आप इस कार्ड को अपने पास रख सकते हो। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है लेजी पे के नए क्रेडिट कार्ड के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।